क्रिकेटर एक मजदूर है, आपको रोज खाना है और रोज कमाना है, तो मतलब आप हर दिन रन बनाओगे तब जाके आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। अगर आप एक दिन 100 बनाओगे और 4 दिन 0 बनाओगे तो आप वहीं हो जहां आप हो। तो हर दिन करो और हर दिन खाओ। क्रिकेट इज़ लाइफ फॉर मी। जैसे हर हिंदुस्तानी सोचता है कि क्रिकेट एक रिलीजन है, ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ। और बचपन में सोचा था कि मैं उस भीड़ में से एक निकल के उन कुछ प्लेयरों में खड़ा हो सकूँगा, अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ और काफ़ी मैचेस जिताना चाहता हूँ अपने देश के लिए। अंकल, मैथ्स के प्रोफेसर का बेटा, इसके तो लाइफ का इक्वेशन कुछ और ही हो गया। हाँ, ये 8-9 साल का होगा। मैंने एक दिन इसे बैठा के पूछा, मैं कहा भाई पढ़ना भी ज़रूरी है बेटा, एक चीज़ चूज़ कर ले आज, ये किताबें रखी हैं, ये तेरा बैट रखा है। पर इसने बैट को उठाया तो बैट को ही उठाया और फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस जुए में आपको तो हुक्म का इक्का मिल गया। हाँ, ये हुक्म का इक्का मिल गया, वाकई हुक्म का इक्का है। तो आप प्रोफेसर थे, आप ही के स्कूल में ये पढ़ते थे, तो बाकी टीचर्स ने नहीं कहा कि राणा साहब? नहीं, बहुत बहुत दोस्तों ने कहा, वो मेरे को गालियाँ देते थे कि ये क्या कर रहा है तू। हालांकि उनके बच्चे इंजीनियर हैं अभी, पर ठीक है, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं है तो मेरा बेटा बहुत खुश है, इसमें कोई वो नहीं है। तो वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि नहीं, ये तो सचमुच टॉप लेवल तक जा सकता है? मुझे देखो, बचपन में तो ऐसा लगा नहीं है। बचपन में तो मैं इसे फिट करने के लिए इसे भेजा था ग्राउंड, वाकई ये हाइट निकाले, क्योंकि मुझे लग रहा था इसकी हाइट छोटी रहेगी, हम सब की हाइट अच्छी है, तो उस वजह से डाला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरियर बना लिया। एक दिन मैंने इसको बड़ा, शायद इसको याद है कि नहीं है, ये 12-13 साल का था, मैंने इसको कहा बेटा ये ग्राउंड देख, इस ग्राउंड में एक रोप लगी हुई है, रोप के अंदर जो भी जाएगा प्लेयर है, रोप के अंदर, रोप के बाहर आप दर्शक हैं, आप क्या बनना पसंद करेंगे? ये रोप के अंदर जाना पसंद करता है, ये कहता है रोप के अंदर रहूंगा मैं। मतलब मैं पहले जब छोटा था तो मैं पनिशमेंट देता था अपने आप को, 45 ओवर्स का गेम है तो अगर मैं 12-15 ओवर में आउट हो गया तो मैं 30 ओवर 35 ओवर्स वहीं बैठा रहता था। मैं कुछ कर सकता था तो मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता था, सोचता रहता था, बहुत सोचता था पहले, बहुत। हमारे घर में फाइट होती थी। मेरा बड़ा भाई राहुल द्रविड़ सर का फैन, मैं सौरव गांगुली सर का फैन, पापा सचिन सर के फैन। जैसे ही दादा आउट होते थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है और मैंने भागना है उस रूम से, दूसरे रूम में जाके अंदर से लॉक, मतलब कुंडी लगा के आराम से रोना है, गुस्सा करना है, सब करना है। और फिर जब सब ठीक हो जाता था तो मैं कुंडी खोल के बाहर आता था। डांट मैंने उसे ना सर मम्मी से पड़ती थी। हाँ, मम्मी इसको विकेट से मारती थी। विकेट से बहुत पिटाऊँ बचपन में। उसे मैच नहीं देखती थी, दिखाने ले गया तो थोड़ी देर देखती रही, ये खेल रहा था सामने एक प्लेयर और खेल रहा था, ठीक है। थोड़ी देर में वो हिचक के जैसे बोलती है, नूली एक बात पूछूँ आपसे। मैं कहा हाँ नूली, ये नीतीश वहाँ चला जाता और वो यहाँ आ जाता, दो रन क्यों नहीं होते, एक रन क्यों होता है? उन्होंने तो कभी मुझे वेल प्लेड भी तक नहीं बोला। उनको सिर्फ एक ही कंसर्न है कि खाना खाया है, ठीक है कि नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता समझी, अब मैच देखती है लाइव होता है। अब तो पूरा आईपीएल का मैच देखती है, पूरा सीजन। अब देख क्या है सर? हाँ, नीतीश दारा राणा, जो दारा देखता हूँ ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं ठीक है भाई, कहीं तो हमारा भी नाम है अखबार में आएगा, न्यूज पेपर में आएगा, या इसका नाम कहीं लिया जाएगा, या आप उस पर देखो तो एन डी का मतलब नीतीश दारा राणा, बस इतना ही बहुत है हमें तो। ये सैक्रिफाइस तो किया है सर, ये तो मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। कब से मैं देख रहा हूं, खा ले बना। नहीं, नहीं। आपको बना के खिलाता हूं, मेरे को बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं कब से देख रहा हूं कि सामने पड़े हैं 4 स्वादिष्ट गोलगप्पे राणा चाट भंडार से, लेकिन छू भी नहीं रहा है ना, देख रहा है ये हटाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। चम्मच से डाल दे लो उसमें, ऐसे मजा ही नहीं आएगा जब तक उंगली का स्वाद ना हो। थैंक यू।
डिलीशियस क्लास मार्वेलस। अब आप सोचो कैसे छोड़ सकता है बंदा ये सब खाना। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी आईपीएल भी खेलूंगा। मैं तो इवन 4 या 5 सीजन तक तो मैं फिरोजशाह कोटला में मैच देखने जाता था क्योंकि अक्षय कुमार बहुत पसंद थे, वो उस टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ थे और ए बी डेविल्स बहुत पसंद था वो भी, और इवन गौतम भी अभी दिल्ली के साथ थे, तो वीरू भी अभी दिल्ली के साथ थे, तो इन लोगों को मैं बहुत मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार इनको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 2015 की बात है शायद, वो रणजी सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि नहीं यार शायद इस बार कोई तो लेगा, एक चांस तो मिलेगा। तो मैं मैच खेलने गया था, बैटिंग कर रहा था, तो मैंने ऑक्शन हुआ तो ड्रिंक्स हुआ, तो मैंने उनको बोला मेरा नाम आया, तो मेरा दोस्त बोलता अभी तक तेरा नाम नहीं आया। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो मैं बैटिंग करने गया, उसने कहा बाहर से इशारा किया पानी, तो उसने मुझे बोला तेरा मुंबई इंडियंस में हो गया। तो मैंने कहा यार मजाक मत कर, मैं विकेट पे बैटिंग कर रहा हूँ, मैच फंसा हुआ है, तू ऐसे मजाक मत कर, अगर है तो बता वरना जा पानी पी लिया मैंने, कोई बात नहीं, नहीं पीना मुझे पानी। कह रहा यार सच में तेरी कसम तू मुंबई इंडियंस ने पिक किया है। जब सेकेंड सीजन की बात है तो ट्रायल मैच चल रहा था मुंबई इंडियंस का, प्रैक्टिस मैच, ट्रायल मैच नहीं प्रैक्टिस मैच, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो जहाँ पर सचिन सर बैठे हुए थे वहाँ पर थोड़ा सा दूर मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि तेरे को एक बात बताऊँ, तो मैं कहा बता क्या हो गया। कह रहे जब मैं सचिन सर के साइड में बैठा हुआ था ना और जब तू बैटिंग कर रहा था, तो जब तूने ऐसे मिड ऑन पे मिड ऑफ पे सिंगल दिए और वो जो छक्का मारा, उसके बाद सचिन सर ने राहुल सांगवी सर हैं जो मुंबई इंडियंस के मैनेजर है, कोच है, जो भी मैनेजर है, तो उनको उनसे पूछा कि यार ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बोला यार बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं पर कभी ना कभी मुझे गेम मिलेगा, मुझे उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और फिर वो पहला आईपीएल गेम, एक रात पहले मैं यही सोच रहा था कि यार इतने लोगों के सामने कैसे बैटिंग होगी यार, नहीं हो पाएगी, कभी की नहीं है। जब मैंने फर्स्ट कदम पहला पैर अंदर रखा रोप के, बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे, मुझे लगा यार ये तो मैं चाहता था, ये तो हो गया, और इतने लोग अगर मेरे लिए चिल्ला रहे तो और मुझे क्या चाहिए। शायद वरुण एरोन था बॉलर, उसने पहला बॉल बाउंसर मारा, मैंने डक किया, फिर उसने 2 बॉल और डाला, फिर मैंने एक पे मैं बीट हुआ, एक मैंने नॉर्मल ऐसे खेला पॉइंट पे गया, तो अब 4 या 3 या 4 बॉल पे एक भी रन नहीं था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि नहीं यार ऐसे तो मतलब मुश्किल है, ऐसे तो मैच फंस जाएगा, मैं मेरा नाम आ जाएगा, तो एक डर था। तो फिर उसने बाउंसर डाला, मैंने ऐसे 3rd मैन पर खेला और वो छक्का हो गया, तो फिर 5 बॉले या 4 बॉले 6 रन हो गए। तो फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ कि नहीं अब बॉल से ज़्यादा रन है टाइप, मतलब कि अब इतना डर नहीं लग रहा। तो फिर जैसे धीरे धीरे मेरे को याद है 13 या 19 रन बनाए थे मैंने उस मैच में, और मैं चहल पे आउट हो गया था। लास्ट मैच था हमारा डू और डाई उस सीज़न, अगर हम वो मैच जीतते तो हम क्वालिफाई थे, अगर हम वो मैच नहीं जीतते तो हम बाहर थे। तो मुझे याद है कि रिकी ने बोला कि डिफेंस नहीं करना, मुझे पता है तू मार सकता है, तू मार। अब मैंने कहा चलो भाई, कोच और कैप्टन बोल रहे हैं मार सकता है मार, तो फिर मारो। चलो सोया मैं आराम से, सुबह उठा आराम से, खाना वाना खाया, मैच के लिए गए, और हमारा पहला कोई शायद जल्दी आउट हो गया, तो फर्स्ट बॉल धवल कुलकर्णी ने मुझे बाउंसर मारा, पहला बॉल मैंने मिड विकेट पर चौका मारा। क्यों? क्योंकि मैं उसी जोन में था, क्योंकि उसने बोला था कि जो दिख रहा है मार, मारने का बॉल है तो मार। और उस मैच में मैंने कुछ बनाए थे 37 कुछ बॉले, 69 या 70 कुछ रन, ऐसे कुछ रन बनाए थे। तो वो सीज़न, वो मैच एक ऐसा था कि मेरे लिए चेंजिंग था, सब चेंज कर दिया उस मैच ने। वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, वहाँ से मुझे आज तक एक भी थॉट नहीं आया कि किसी भी लेवल पे मैं जाके मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस लेवल के लायक हूँ कि नहीं। तो यार 3 सीज़न रहे मुंबई, 3 में से 2 बार ट्रॉफी जीते, तो 2017 में जीतने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया कि सचिन तेंदुलकर के साथ जाके बात करूँ, कुछ हाय हेलो कर लूँ, फीडबैक ले लूँ, एडवाइस ले लूँ? मतलब मेरे माइंड में था कि बात स्टार्ट होती मैंने ये बात करनी है, लेकिन मैं गया था सेल्फी लेने तो मैं कैमरा अपना ऑन करके गया था कि सर एक सेल्फी। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आओ ना, उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, और जैसे ही मैंने फ़ोटो क्लिक किया उन्होंने बोला हो गया, मैंने कहा थैंक यू सर, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते अगर ऐसी मेहनत करता रहेगा ना तो एक दिन देश के लिए ज़रूर खेलेगा। इट वॉज अ ट्रांजिशन ना, तिमारपुर का नीतू बन गए राणा साहब जिसको वानखेड़े चीयर कर रहा है, डिड यू फील दैट यू हैड अराइव्ड, कि यार आप तो लाइफ सेट है? हाँ मुझे लगा कि मैं उस
जगह पे आ चुका हूँ जहाँ दीवार पे मार के जो लड़का बॉल खेलता था नॉकिंग करता था क्योंकि कोई बॉल डालने वाला नहीं होता था, और एक जगह आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैटिंग कर रहा हूँ और सारा क्राउड आपका नाम ले रहा है, तो हाँ मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ भाई मैं भी जिंदा हूँ अंदर से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए, कुछ तो मैंने भी किया अपने लिए और बहुत स्ट्रगल किया है। एक सीज़न बाहर बैठा, एक सीज़न लोगों ने बोला कि ये एरोगेंट है, ये करता है वो करता है, प्लेयर अच्छा नहीं है, सब फेस देख के मैं आज वहाँ खड़ा था। जो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे वो टीवी पे बैठे मुझे देख रहे थे और मैं मैच जिता रहा था। लेकिन फिर गोलगप्पे के बाद तो पुचका की बारी आ गई, मुंबई से सवारी चली कोलकाता। कितना सुंदर हेलमेट है, जब मेरे को मैच वाला हेलमेट मिला तो मतलब मेरे को लगा कि सच में मेरे सिर पे एक क्राउन आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। और वहाँ पर सेट भी हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि रन भी बन रहे हैं और विकटें भी ले रहे हो, और कैसी विकटें, मतलब भाई साहब कोहली डिविलियर्स। डू यू बिलीव डीप डाउन दैट यू आर एन ऑलराउंडर? अब डीके भैया ने मुझे बोला कि बॉल डालेगा, और मैं टिपिकल दिल्ली वाला बिना डरने वाला, मैं कहा बिल्कुल डालूंगा, क्या होगा, मारेंगे, वो सबको मार रहे हैं, मेरे को भी मार लेंगे, उनको कौन रोक सकता है। तो मैं कहा ठीक है मैं डालता हूँ। तो मैंने पहला बॉल डाला तो मेरे को पता था कि मैं अगर चांसेस हैं उनको आउट करने का तो कैरम या कुछ अलग, नॉर्मल ऑफ स्पिन पे वो लोग आउट नहीं होंगे। तो मैंने एबी को बॉल डाला, उसने पुल मारा, छक्का हुआ फर्स्ट बॉल, मैं वापस रन अप पे गया, मुझे लगा कि 5 छक्के और, मतलब सच में मुझे लगा कि रिकॉर्ड बनेगा, 6 छक्के मैं खाऊंगा पक्का आईपीएल में। और वो बीच के ओवर थे, 10-11 ओवर थे और दोनों सेट बैट्समैन, मैंने कहा भाई गलती हो गई है तो, और छोटा एंड ये वाला जो लेग साइड थी वो बहुत छोटा था। तो मैंने नेक्स्ट बॉल डाला, मेरे पास ऑप्शन एक ही था, या तो मैं फुल यॉर्कर मार सकता था या फिर मैं कैरम एक और डाल सकता था। तो पता नहीं मेरे को क्या, मेरे मन में क्या आया, मैं कह नहीं एक और कैरम डालता हूँ। तो उस एबी ने हट के मारा, उसका टॉपिच लगा, मिचेल जॉनसन ने कैच पकड़ा डीप मिड विकेट पे, और मैं बड़ा खुश। अब मैं रन अप पे है, सामने खड़े विराट भैया, मैं कह यार अब एक तो आउट हो गया, 4 बॉल भी बची हैं, विराट भैया भी बैटिंग कर रहे हैं, क्या क्या कैसे करूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि एक काम करता हूँ, यॉर्कर मारता हूँ। अब वो इतना अच्छा यॉर्कर लगा, वो एयर में स्विंग भी हुआ, भैया मिस भी कर गए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद यॉर्कर, भैया मिस भी कर गए, वो जाके विकेट पे भी लग गया। यार छक्के तो बड़े तगड़े मारते हो और बड़े लंबे वाले मारते हो, तो बैट हल्के होते हैं या फिर वो मोटी ब्लेड होती है आपकी? मैं नॉर्मल बैट यूज़ करता हूँ और मेरा वेट रहता है 1170-1180 के अराउंड, और मेरे को एक चीज़ बस चाहिए अपने बैट में कि हैंडल छोटा होना चाहिए। तो जब से उन्होंने मुझे बैट दिया है बचपन में तो तब से शॉर्ट हैंडल यूज़ करते थे, तो मैं इस हैंडल के हिसाब से अपना बैट बनवाता हूँ। ये मेरे को दिया था जब मैं अंडर 16 में, जब मैंने आपको बताया ना बहुत सारे रन बनाए थे, तो उस पर ये लिख के दिया था भैया ने, नितेश कीप स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स, गौतम गंभीर। यार वैसे बड़ी किस्मत वाले हो, ठीक है, क्रिकेट में अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और बीवी भी ऐसी मिली जो एक टॉप इंटीरियर डेकोरेटर डिजाइनर, तो इज इट बिकम इजी फॉर यू कि चलो भाई सारा टेंशन इसका है? बिल्कुल बहुत इजी है, क्योंकि सुना था लोगों से कि यार इंटीरियर डिजाइनर हायर करना पड़ता है, उसको बहुत पैसा देना पड़ता है, वो सब मेरे को मतलब यार कैसे क्या होगा यार, तो अब तो घर का ही है तो पैसा भी घर का ही है, तो मैं बिल्कुल चलूँ, इसका काम है, ये जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। यार मॉडल टाउन की एक खबरी ने मुझे बोला कि ये बड़ा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। वेरी ट्रू। इज इट? या, वेरी ट्रू। हु इज टॉम? वी चेंज द रोल्स फ्रीक्वेंटली, या, बट आई थिंक इवन आवर पेरेंट्स आर स्कैर्ड नाउ, लाइक व्हेन वी टॉक दे थिंक वी आर फाइटिंग, बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट क्रिकेट, बट ही गेट्स इनटू द डिजाइन, सो गेट्स। यू नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट क्रिकेट? नो, आई जनरली डोंट वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट टू हिम। फीडबैक? नो, Two comment about everyone. Yes, that's there.
तो सास को भटूरा बना दिया. बनाया नहीं, ब्रदर छोला. Like he says, like you guys are made for each other. It's like chole bature. This is my vacation fam, but then he calls me hathi. He calls me anything, whatever he wants to call me. Hand grenade, maybe when I'm angry. And जिसका पिन निकला हुआ है. हाँ, clearly. He was really shy initially. I think we are coming from two different backgrounds. We are two different people. I like to party. He prefers staying at home. But now the roles are reversed. I like staying at home and he likes to party. But I think in a personally also, he's gone a little extrovert than introvert. Now he has stories to tell. Initially he had nothing to tell. You're lucky, yaar. You've got a wife who's an accomplished professional in her life. She's brought a lot of color into your life. How do you manage, balance the two? Must be quite a task. I think that's why we took 3 years too. We took 3 years and then we got married to balance out a lot of things in life and understand each other's schedule, because I think most of the time he's traveling and most of the time I have to be out for work and site visits and meetings. So there was a routine when I used to come back from work in the evening and he used to come back from practice and meet for half an hour, quick coffee and talk about day and go. So I think it took us a time to understand the schedule, but now we're used to it. बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कहीं कुछ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो अब स्टार्टिंग का रिलेशनशिप है तो अब बंदा डर रहा है कि क्या ऑर्डर करना है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. तो अब इसको खाना है, सुशी खाना है, कुछ और सैलेड खानी है. अब मैं टिपिकल गोलगप्पे वाला बंदा, अब मैं वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके भी छोले भटूरे ढूंढ रहा हूँ तो वो तो नहीं मिलेंगे ना वहाँ पर. तो फिर मैं यार देख, तू जैसा भी इधर को ऑर्डर करना है तो कर ले, मैं खा लूँगा. मतलब एक 1.5 साल तो मेरा टेस्ट ही खत्म हो गया था. मतलब टेस्ट था ही नहीं मेरी, मेरे को पता ही नहीं टेस्ट होता क्या, क्योंकि खाना ही मैं ऐसा खाता था जो मैंने कभी खाया ही नहीं. You like sushi ना? बहुत. Yeah. I love. एक contrasting personality है ना, मतलब इतने सारे टैटू, बाल एकदम फुल दिल्ली का डूड. हाँ, but deep down he seems like a very simple guy. He is actually. है ना? He is. Yeah. But well, how much has money changed him? I don't think he's a very money-minded person, or ever he takes count of who's spending where and what is happening with his money, and if this is happening for the money. No, I've seen his journey from, you know, one BHK rented apartment to this house also, while we were dating. He's never spoken to me about this thing. He just gave me assurance that, you know, he'll do it. मतलब होता है ना कि बंदा बाहर थक के बाहर से आता है टाइप की, फैमिली में जब आता है तो फैमिली होनी चाहिए सामने. वो उससे ज्यादा मेरे को खुशी कहीं नहीं मिलती. ठीक है, 100 बनाने की एक अलग खुशी है, वो अलग फील की खुशी है, जो भी है. Well, it was some of his cricket moments that he used to write probably, and his scores and everything. I never knew that he documented it. It was from 2014 or no, before. Pehle ka tha. It was old. I wanted to ask him, but now I'm asking him. I didn't know that you write diary, by the way. I kept buying you diaries to write it. Diary mein koi childhood crush ka koi zikr kuch nahi. Childhood crush ka koi zikr nahi. I just koi found like happy birthday love. Jo tha wo kabhi aa nahi sakta tha haath mein to. क्या क्या माधुरी दीक्षित? नहीं, उतना भी पुराना नहीं है. कटरीना कैफ. कटरीना कैफ और तो और आजकल दीपिका पादुकोण. आजकल तो मतलब आजकल. इसके बाद बट शादी के दिन वाजी शाय, नर्वस और बिंदास. बिंदास, ही वाज ओवरजॉयड. आई थिंक द टच विद द हैप्पीएस्ट ग्रूम आई हैव एवर सीन. या सो ही हैड parties and he had post parties, he had pre parties. So he started way before I started celebrating the wedding, and all his friends were over, my brother, his brother, everybody was over. I think he was good, like another mood that I saw of him, different Nitish Rana, and he wasn't shy. But yeah, he was a little tired of meeting people, but then I think he was happy. What's your dream for him? I think it's the same dream, like he should reach where he wants to reach and where he should be reaching. You know, he's always very supportive about his team. He says, I play for the team, I do this for the team. So that's what I've been hearing things. I've never heard him saying that I want to do this or I want to play for India, or some people when they tell him, when are you playing India and when are you doing this? No, he's like,
this is what I'm doing and this is what I want to do. Any more tattoos coming up? I have 3 tattoos and all the 3 are not showing, so I can't see them. Okay. One says art. Oh. And that's when he got his courage tattoo. I said, why courage? Mm. He said that one word that would describe me and you. Then we have the rose together. Oh. And he has many. I don't even remember how many he has. He's got a lot of them there. 7 you've got? 7 one, tattoos. 1, 2, 3, 4. I have 3. 5, 6, 7, 8. You have 8? Now? 8? And how many more to go? 80. 80 more to go. ये मान लो KKR के लिए पापल में बैटिंग कर रहे हो ठीक है बिग शॉट्स स्ट्रेट अवे मुंबई और KKR वन बॉलर हु इंटिमिडेट्स यू मिशेल जॉनसन DK और रोहित शर्मा ऑब्वियसली DK डिड यू गेट एनी टिप्स फ्रॉम शाहरुख नहीं डांस की थोड़ी बहुत मिली थी वो जो मेरे को आता नहीं करना वो क्रिकेट की तो नहीं क्या बोला उन्होंने उन्होंने मुझे डांस कराया चल छैया छैया पे तो मुझसे हुआ नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल मैं डांस कर ही नहीं सकता फेवरेट शाहरुख खान फिल्म कुछ कुछ होता है फेवरेट शाहरुख लाइन हम तुम्हारे हैं सनम ट्रू और फॉल्स नीतीश कुमार बड़ा सेंटी बच्चा है ट्रू वेरी ट्रू तिमारपुर या मॉडल टाउन मॉडल टाउन मुंबई या कोलकाता मुंबई पैसे स्प्लर्ज और सेव इट इन्वेस्टेड इन्वेस्ट गोइंग बॉल्ड और गेटिंग आउट फॉर अ डक डक ऑन डक बॉल्ड होना नहीं पसंद बाल बहुत प्यारे पिछली बार बीवी को उल्लू कब बनाया था गोवा गया था मैं तो मेरे को कैसीनो जाना था मतलब मेरा मन था और मैं खेलता नहीं हूँ वैसे पर मेरा मन था मैं अंदर से देखना था और ये मना कर रही थी कि नहीं कैसीनो वसीनो नहीं जाना मैं ड्रिंक नहीं करता मैं कुछ भी नहीं करता तो मैं खेलता भी नहीं हूँ जुआ वगैरह तो मेरा मन था कि नहीं यार देखिए तो सही क्या होता है या फ्री डिनर टाइप सुना था फ्री डिनर होता है कुछ भी खा सकते हो आप तो मैं कहा यार अंदर से जाऊँ तो इसने मना किया था तो मैंने इसको बोला था कि और वो काफ़ी 1.5-2 साल पहले की बात है तो मैंने इसको बोला था कि मैं सो गया हूँ यार मैं सो रहा हूँ कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है और मैं मेरा मैच भी और मैं ट्रेनिंग भी करूँगा तो मैं सो रहा हूँ तो इसको लगा कि मैं सो गया लेकिन मैं सुबह 5:30 बजे तक कैसीनो में ही था वन हैबिट ऑफ योर्स दैट साची हेट्स अबाउट यू हम शायद एक पिलो है घर पर उसके लिए बहुत फाइट होती है कि वो ये लेके सोएगी कि मैं लेके सोऊंगा गौतम गंभीर या रिकी पॉन्टिंग गौतम गंभीर योर बिगेस्ट फियर वाटर स्विमिंग नहीं आती नहीं आती हु इज द बेस्ट हेयर स्टाइल इन KKR मी ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या हु इज मोर फैशनेबल आई थिंक हार्दिक ओके एंड फाइनली वन थिंग यू चेंज अबाउट योरसेल्फ जंक फूड यार जैसे बैटिंग करते हो वैसे ही जवाब दिए अब ये रैपिड फायर का चैलेंज दे दिया मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई पहला मेरे को एक चीज़ आज भी खाती है कि मैं एक इंडिया एक ही सीरीज़ खेला हूँ और उसमें मैंने रन नहीं बनाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मैं डिज़र्व नहीं करता मुझे पता है कि मैं कैपेबल हूँ मैं कर सकता हूँ लेकिन अगर मैंने रन नहीं बनाए तो ठीक है यार मैं डिज़र्व नहीं करता लेकिन हाँ अब मुझे दोबारा चांस मिला इंडिया के लिए अभी मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका ऐसी सीरीज़ है तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही है कि मैं अब अपने आप को मेरे को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं मेरे को खुद को प्रूव करना है कि जो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि हाँ मैं सच में लायक नहीं हूँ क्या मैं अगर आज लायक हूँ तो मैं उस सीरीज़ में रन बना के आऊँगा मैं अपने आप को जवाब दूंगा कि हाँ मैं लायक था रन नहीं बने बात अलग है और आज भी हूँ Thank you.